रात को भूल कर भी ये काम न करे, वरना नाराज हो सकती है माँ लक्ष्मी। आप बन सकते हैं कंगाल और आपके घर आ सकती है अशांति। हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। जिन लोगों पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, उनके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। ऐसे में देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हर कोई प्रयास करता रहता है। धर्म शास्त्रों में भी माना गया है कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करके व्यक्ति अपने जीवन की आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पा सकता है। कहा जाता है माँ लक्ष्मी की कृपा से जातक को जीवन में धन दौलत की कमी कभी भी महसूस नहीं होती। लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं जिन्हें करने से सुख सौभाग्य की स्वामिनी माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और ऐसे घरों में वास नहीं करती है। वहीं कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें रात के समय नहीं करना चाहिए, वरना माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। तो आइए जान लेते हैं वो कौन कौन से काम हैं जिन्हें आपको रात के वक्त कभी भी भूल से भी नहीं करने चाहिए। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि जिस घर में साफ सफाई होती है, माँ लक्ष्मी का वास भी सदा उसी घर में होता है। लेकिन रात के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और ना ही घर का कूड़ा कचरा बाहर डालना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मान्यता है कि ऐसा करने से घर की लक्ष्मी चली जाती है और इससे उस घर में सुख समृद्धि की कमी हो जाती है। माँ लक्ष्मी को सफेद खाने की चीजों का भोग लगाना शुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रात के समय दूध को छोड़कर किसी भी सफेद चीज का सेवन से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। ऐसे में दही का सेवन भी रात्रि में ठीक नहीं माना जाता है। सूरज ढलने के बाद खट्टी चीज, दूध, नमक और दही आदि का दान करने से माँ लक्ष्मी रूठ सकती है और आपको आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में शाम के समय ऐसी चीजों का दान करने से बचे। शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी पर देवी देवताओं को जगाने के लिए जिन खाद्य सामग्रियों का इस्तेमाल होता है, उनमें मूली भी शामिल होती है। ऐसे में रात के समय मूली का सेवन शास्त्रों के अनुसार निषिद्ध माना गया है। साथ ही रात के समय सत्तू और चावल भी नहीं खानी चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है। तो अगर आप ऐसी कोई चीज करते थे जिससे माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है और आपके घर ऐसी कोई समस्याएं आ रही है, तो आप इन सब चीजों को करने से बचे। देखिएगा धीरे धीरे माँ लक्ष्मी का वास होगा और आपके घर भी सुख समृद्धि बनी रहेगी।